हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका लुईस एसिड और लुईस बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है आपके पास क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहला आपका इफेक्ट रहेगा दैट विल बी अवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो सबसे पहला हम इफेक्ट पढ़ेंगे दैट विल बी योर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस तरह से आपके पास लुईस एसिड और लुईस बेस की स्ट्रेंथ को जो है हमारे पास इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो देखिए, या तो हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है या तो वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप शो करेंगे। ठीक है, या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, वन वी हैव इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, या फिर हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप्स होंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इनका हम इन्फ्लुएंस देखेंगे हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि लुईस एसिड हमारे पास क्या होते हैं। लुईस एसिड हमारे पास ऐसी कोई स्पीसीज होगा, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं आपके पास लुईस एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे आपके पास लुईस बेस। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कोई लुईस एसिड है, सपोज यू हैव अ लुईस एसिड। ठीक है, ये मेरे पास एक लुईस एसिड है, इसके साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या कर सकता है आपके पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, डेफिनेटली इसका एक ही काम होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो जो भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लुईस एसिड्स के जो सेंट्रल एटम होगा, मान लो वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, तो जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम होगा इस लुईस एसिड के अंदर, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, और लुईस एसिड होता क्या है कि आपके पास ऐसा कोई स्पीसीज जो कि आसानी से आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एटम के ऊपर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास वो सब्सटेंस क्या होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दिया है तो वो सब्सटेंस आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा तो जो हमारे पास इस लुईस एसिड के अंदर जो आपका सेंट्रल मेटम दैट इज योर एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक है, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने जा रहा है, ठीक है, वो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट इज अवर एक्सेप्टर एटम के ऊपर, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की अब फ्रॉम द बेसिस, ठीक है, क्योंकि बेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो अब जब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसकी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे पास लुईस एसिड होता है कि जो जितनी आसानी से आपके पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका लुईस एसिड रहेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा तो हमारे पास लुईस एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा ही बढ़ेगी। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, कि मान लो मेरे पास यहाँ पर आपके पास कोई एक लुईस एसिड है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ आपके पास, मैंने एक अटैच कर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देगा टुवार्ड्स द लुईस एसिड। ठीक है, यही करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा टुवार्ड्स द लुईस एसिड की तरफ को, तो जो हमारे पास एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक है, जो लुईस एसिड के अंदर क्या है हमारे पास एक्सेप्टर एटम होगा, एक्सेप्टर एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्सेप्टर एटम को, तो एक्सेप्टर एटम जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं बेसिस से, ठीक है, अब उसको इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मिलते जा रहे हैं जो कि उसके अंदर जो बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की फ्रॉम दी अदर बेसिस वो आपके पास कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो जो स्ट्रेंथ होगी आपके पास लुईस एसिड के लिए वो आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, जो स्ट्रेंथ होगी आपके पास लुईस एसिड की वो आपके पास डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज़ क्यों करेगी, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देंगे, जो भी हमारे पास एक्सेप्टर एटम होगा लुईस एसिड का उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी तो जो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कहाँ से, बेसिस से, वो आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है लुईस एसिड स्ट्रेंथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी। अब सिमिलरली एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसके बाद हम लुईस बेसिस की ओर चलते हैं। तो देखिए मान लो कि मेरे पास एक आपके पास BH3 है, ठीक है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ठीक है, बोरोन ट्राईहाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद दैट ऑफ BF3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास BH3 और बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, तो ये आपके पास लुईस एसिड बिहेव करता है क्योंकि इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल बोरोन, ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2s2 2p1, एंड सिमिलरली यहाँ से आपके पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन आइटम के पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और लुईस एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद दैट ऑफ फ्लोरिन ग्रुप, फ्लोरिन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, डेफिनेटली बोरोन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी ओर खींच लेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और जो उसकी टेंडेंसी होगी अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, बोरोन एटम की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा होगा, BF3 विल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है BF3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दैट ऑफ BH3। अब सिमिलरली मैं कंपेयर करता हूँ अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरह से लुईस एसिड स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो BH3 है और मैंने अब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाई 3-मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बोरोन एटम के ऊपर, तो जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की वो ऑटोमेटिकली अब आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। तो BH3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ BMB3। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास अगर लुईस बेसिस होंगे तो उनके लिए हमारे पास क्या इफेक्ट रहेगा इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। तो देखिए लुईस बेस के साथ मैंने अटैच कर दिया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं, वो वाली स्पीसीज जो कि आसानी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी आसानी से कोई अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका लुईस बेस होगा। ठीक है, और तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितना आसानी से आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर पाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होगा, वो लुईस बेस होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, जो भी आपके पास डोनर एटम होगा यहाँ पे। ठीक है, लुईस बेस मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया में जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करेगा आपके पास अमोनिया। ठीक है, तो ये जो इसकी टेंडेंसी है इस लोन पेयर को डोनेट करने की, ठीक है, तो जितनी आसानी से लोन पेयर आपके पास दे पाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास वो लुईस बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोनर एटम है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो नाइट्रोजन के ऊपर कम हो जाएगी, और लुईस बेस होते क्या हैं, जो कि आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर तो जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जो है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ को तो बढ़ा रहे थे लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, वो आपके पास डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जो होगी आपके पास, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, डोनर आइटम जो भी होगा लुईस बेस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ फ्लोरीन के साथ, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे नाइट्रोजन से, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपके पास नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, तो जो उसकी टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी जो होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी जो होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर आइटम ऑफ द लुईस बेस एंड देयरफॉर डिक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीजेज इट्स स्ट्रेंथ टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लुईस बेस होता क्या है, जितनी आसानी से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाएगा लेकिन यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जो है वो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो आपके पास लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इनका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, जो भी हमारे पास डोनर एटम होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे हमारे पास तो जो मेरे पास स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेसिस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस इंक्रीजेस, ठीक है, विद दी, अगर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और हुआ क्यों,
ठीक है, तो क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा डोनर एटम की, तो जिसकी वजह से आपके पास उसको और ज़्यादा कैपेबल बना देगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर सकता है, तो उसी वजह से आपकी जो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिंपल से, तो मान लो कि मेरे पास कोई लुईस बेस है, तो लुईस बेस ले लिया मैंने अमोनिया, ठीक है। अब मैंने अमोनिया से क्या किया, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दैट इज़ योर फ्लोरिन। ठीक है, तो देखिए लुईस बेस क्या होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से दे पाएगा। अमोनिया हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता, आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है, तो आसानी से इस लोन पेयर को आसानी से ये शेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कौन से ग्रुप है, हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया विद दैट ऑफ फ्लोरिन। ठीक है, और फ्लोरिन है आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे, और यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम के ऊपर कम हो जाएगी, तो यहाँ से इसकी जो टेंडेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन सा होगा आपका, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज़ योर स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। ठीक है, अब सिमिलरली कंपेयर करो यहाँ से अमोनिया को विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे नाइट्रोजन एटम के ऊपर, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास दिस इज़ ट्राई मिथाइल अमोनिया जो मेरे पास बन रहा है, दिस इज़ योर मोर स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कंपेयर टू दैट ऑफ योर अमोनिया। तो देखिए कंपेरिजन करते हैं अब। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड लिखे हुए हैं, एक मैंने लिखा था आपके पास ट्राई मिथाइल बोरोन, इसके अलावा मैंने एक BH3 लिखा था और मैंने एक BF3 लिखा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसकी होगी जहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगे हैं, फ्लोरीन के अंदर। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अब आपके पास अब मैं कंपेयर करूँगा विद दैट ऑफ योर NF3। ठीक है, सेकंड है मेरे पास अमोनिया और नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई मिथाइल अमोनिया। ठीक है, तो अब इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास लुईस बेस कौन सा होगा, दैट इज़ योर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करना है हमने, बेसिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, दिस इज, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी दिस वन। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा है और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट दैट इज़ योर, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होगा डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो वहाँ पे आपने इंडक्टिव इफेक्ट का ध्यान रखना है, बाकी जो इफेक्ट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।